नमस्कार, मोबाइल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र और अभी हम हैं जीवन नगर में, यहां और खासतौर से जीवन हॉस्पिटल के पास सब्जी मार्केट है और यहां पर सीए अखिलेश चंद्रा मास्क बांट रहे हैं और काफ़ी भीड़ है लोगों की, काफ़ी अवेयर हैं। जी हाँ, जिस प्रकार से कोरोना वायरस फैला है उससे लोग सजग हैं और इसी सजगता के लिए ही सीए अखिलेश चंद्रा ने अभी यहां पर मास्क बांटना शुरू किया और काफ़ी भीड़ है यहां पर। स्वागत है, बहुत सारे आप मास्क बांट रहे हैं, जिस तरीके से कोरोना वायरस हमारे पूरे देश में फैल रहा है उसको देखते हुए हम ये चाह रहे हैं कि कल होली का मिलन है तो लोग, वैसे तो होली कोई ज़्यादा से ज़्यादा लोग होली नहीं मना रहे हैं लेकिन रिश्तेदार तो आएंगे और कोई ना कोई अपने रिश्तेदारी में जाएगा, तो हमारा पर्पज केवल ये है कि यहाँ के लोगों को बांटने से कि वो मास्क लगा के उन घरों पे जाएं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाएं और जो रिश्तेदार उनके यहाँ हैं वो भी मास्क लगा के हैं, इसका प्रयोजन यही है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ज़्यादातर ज़्यादा उम्र के लोगों के ऊपर जो है ये प्रभावशाली है और कई लोग हैं, इसीलिए अखिलेश चंद्रा ने एक जागरूकता कह सकते हैं जागरूक करने के लिए लोगों को ऐसे अभियान चलाया है। और होली का पर्व है तो निश्चित तौर पर होली के पर्व कहीं खटास ना हो और इसलिए वो लगातार ऐसे अभियान करते रहते हैं, समाज में जागरूकता लाते रहते हैं। कितना मास्क आप लगभग बांट चुके हैं? लगभग 5000 मास्क जो है आज वितरित हुआ है और हमारा प्रयोजन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मास्क दिया जाए जिससे कि कोरोना वायरस से जो है लोगों को बचाया जा सके। और इस गवर्नमेंट की पहल को भी देखा जा रहा है, जिस तरह हमारी सरकारें भी बहुत तरीके से जागरूक कर रही हैं तो हम जब तक जन जन आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक कोरोना वायरस को भगाना मुश्किल है। जी हाँ, हमारे यहाँ हम आश्रम से विधानसभा से ये अवे तमाम शुक्रवार जी, हमारे यहाँ अगर बख्शी जी की जगह भाई साहब को टिकट मिलती ना तो ये केजरीवाल का ड्रामा ना होता, ये सब उसी का मबना सा देगा। जी हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर यहाँ पर अभी जिस प्रकार से बीजेपी ने यहाँ पर कुछ लोग चाह रहे हैं कि वो जीत के आती है और इसलिए लगातार अपने अपने अपनी भावना को प्रकट कर रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ वैसे इस इलाके में झुग्गी में, ये झुग्गी है, झुग्गियों में कुछ सफाई आपको महसूस हुई पहले से? ये एक मैं अपनी मिसिस के नहीं रखा हूँ, एक अपने नहीं रखा हूँ, बिल्कुल सफाई भी होगा। और आपको मिल गया, अब ये आपको होली खेल लिए पूरा? हाँ जी। क्या आपको डर है, क्या कोरोना से डर लग रहा है? नहीं, अब नहीं लग रहा। अब नहीं लग रहा? हाँ जी, नहीं लग रहा। हाँ जी, अभी तो मैंने ब्लैक भी पहना। अच्छा, ब्लैक भी पहना। देखिए बच्चे लोग, आपने नहीं लगाया मास्क बाबू? आपने नहीं लगाया? लगा लो मास्क, लगा लो, लगा लो। होली खेलना है कि नहीं खेलना है? खेलना है। हाँ, होली खेलना है। तुम होली खेलना है? हाँ, खेलना है। रंग कलर लगा के कहाँ पिचकारी है? पिचकारी अभी खरीदने जाएंगे, शाम को लाएंगे। अच्छा, शाम में पापा को लाएंगे अभी, बैलून भी लाएंगे। क्या बैलून भी लाएंगे? बैलून हाँ। तुम्हारा कहाँ है कलर का? कहाँ है पिचकारी? कहाँ है पिचकारी? घर पे है। घर पे है तो लेके आओ ना, खेलना है होली। चलिए, आपको लग रहा है कोरोना से डर लग रहा है? कोरोना से डर नहीं, सही जगह उठ जाता हूँ गाड़ी चाहिए जनता ठीक है। हाँ, लग रहा है कि आज थोड़ा सा आज भी कुछ माहौल बना लिया है आपने। हाँ सही है ना। चलिए बिल्कुल, निश्चित तौर पर और जिस प्रकार से यहाँ पर कोरोना पर लोगों ने अवेयर आया है, अखिलेश चंद्रा ने लगातार कोशिश की है कि आप, एक खास बात यह है कि ऐसे कोई भी संक्रामक बीमारी हो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। सर, जिस प्रकार से आपने अभियान चलाया है निश्चित तौर पर सब मिलजुल कर होली का पर्व उसी उल्लास के साथ मनाए, इसी उद्देश्य के साथ रखे होंगे आप? हमारा उद्देश्य केवल ये है कि जो भी जो है लोगों के पास जाएं, मास्क लगा के जाएं और जिसके पास नहीं है वो कम से कम रुमाल बांध लें, सैनिटाइज़र अपने पास रखें और जो नैपकिन होता है उसको रुमाल के बीच में रख लें, और अगर रुमाल भी बांध लेते हैं तब भी इसको सेफ किया जा सकता है।